गुड इवनिंग अंजन दोस्तों दोस्तों ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो भी शिक्षक अभी स्थानांतरण के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए लग रहा है थोड़ा और समय लगेगा। ये देखिए लेटर जारी किया गया है दुर्गा शंकर मिश्र जी द्वारा, जो हमारे मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, और इन्होंने समस्त अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को ये पत्र जारी किया है। देखिए विषय आपके सामने है सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2022-23 के संबंध में। आपको बताना चाहूँगा इसके पहले जो एक स्थानांतरण नीति आई थी उसमें कहा गया था, बेसिक शिक्षा विभाग के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, समूह क और समूह ख जिसमें हमारे बीएससी साहब और इसके ऊपर के उच्च अधिकारी महोदय लोग आते हैं, तो उनकी स्थानांतरण के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति आवश्यक थी। अब इसमें देखिए कुछ बदलाव आ गए हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। इसके एक और आदेश था कि समूह ग और समूह घ जिसमें हम लोग आते हैं, हम शिक्षक आते हैं, उनके लिए बस अनुमति हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लेना आवश्यक था। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब देखिए आपके सामने है, आप यहाँ से देखिए कि निर्देश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2022-23 के अनुसार स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत, ये देखिए ये जो वर्ष है अवधि है उसकी समाप्ति के उपरांत ही समूह क समूह घ और समूह घ के कर्मियों के सभी प्रकार के स्थानांतरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। तो ये देखिए कड़ाई से पालन होना चाहिए, ये निर्देश है। अब हमें देखिए मुख्यमंत्री जी जब तक अनुमोदन नहीं दे देंगे तब तक कोई स्थानांतरण नीति पास नहीं हो पाएगी। ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।